हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिलअप करें पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए। ये करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सिर्फ उनके लिए है जो इंडिविजुअली अपना बिजनेस चला रहे हैं, जैसे कि आप प्रोप्राइटरशिप के लिए कह सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस फॉर्म को कैसे फिल करें। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म ले लेना है, ये आपको पंजाब एंड सिंध बैंक की ब्रांच से मिल जाएगा और आप इसे पंजाब एंड सिंध बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल और एक और ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है जो इंडिया का रेजिडेंट है। कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट है, यहाँ पर कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, यानी कि आपकी पूछी जाएगी सारी इंफॉर्मेशन जो इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना चाह रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से पूछा गया है ब्रांच नेम। तो जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, आप उस ब्रांच का नाम लिख देंगे यहाँ पर। ब्रांच कोड अगर आपको पता है तो आप फिल कर दीजिए, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। डेट आपको उस दिन की लिखनी है जिस दिन आप इस फॉर्म को सबमिट करने वाले हैं। उसके बाद लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो ये आपको सारा फिल नहीं करना है, ये ऑफिस के लिए है, यानी कि बैंक के लिए है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे आपसे पूछा हुआ है एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी। अगर आपका अकाउंट पंजाब एंड सिंध बैंक में पहले से है तो आप यहाँ पर अपनी कस्टमर आईडी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं, उसके बाद पूछा गया आपका नेम। ये नेम आपकी सेम एज आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड पे जो भी नाम है आपको वही फिल करना है, और उसके अलावा कोई नाम फिल नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो एक्सेप्ट फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको अपनी आईडी पर जो नाम है वही नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया मिस्टर राजेश सिंह राजपूत, तो आपको इसी तरीके से फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम लिखना है। उसके नीचे आ जाते हैं, उसके नीचे आपसे पूछा हुआ है मेडन नेम आपका, ये वो नेम है जो आपका पार्टनर, जैसे ये वुमेन्स के लिए होता है, अगर उनकी मैरिड से पहले कुछ और नाम था और मैरिज के बाद नाम चेंज रहता है, सरनेम लग जाता है हस्बैंड का, तो मैरिज से पहले क्या नाम था उस नाम को यहाँ पर फिल आउट करना होता है। तो ये मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए। उसके बाद चलते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको अपने पैन कार्ड पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है आपको वो फिल कर देनी है। उसके बाद जेंडर पूछा, जो भी आपका जेंडर है आप उसे टिक कर देंगे। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे, अदरवाइज आप अनमैरिड पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है नेम ऑफ फादर, मदर और स्पाउस, तो जिसका भी आप नाम लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं और यहाँ पर आप टिक कर देंगे। मैंने फादर का लिखा है तो फादर के ऊपर टिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा नाम लिख देना है अपने फादर का, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। उसके बाद नीचे चलते हैं नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, आपके ऊपर डिपेंडेंट्स कितने हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप इसे ब्लैंक छोड़ना चाहें तो ब्लैंक भी रख सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद पूछा हुआ है इलिटरेट, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको नो पे क्लिक कर देना, टिक कर देना है। अगर आप इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको यस कर देना है, और अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क कोई देना है बैंक को। उसके बाद चलते हैं नेम ऑफ गार्जियन, अगर आप माइनर के लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर गार्जियन का नाम आएगा, अगर आप माइनर के लिए ओपन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ देना है। रिलेशनशिप विद गार्जियन, जाहिर सी बात है जब आप माइनर के लिए ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर रिलेशनशिप भी आपको लिखना पड़ेगा माइनर के साथ क्या है, अभी हम माइनर के लिए ओपन नहीं कर रहे तो हम इसे ब्लैंक छोड़ रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है नेशनैलिटी, तो आपकी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है, अदर कंट्री के हैं, अगर अदर कंट्री के हैं तो यहाँ पर नाम लिख देंगे, और अगर इंडियन है तो सिंपली आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ऑक्यूपेशन टाइप, तो आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी इनकम कैसे होती है वो पूछा जा रहा है। सर्विस मैन है, प्राइवेट सेक्टर पे काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, अदर्स में है, प्रोफेशनल है, खुद का काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिटायर्ड है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, बिजनेस कर रहे हैं कोई, नॉट कैटेगराइज, तो आप यहाँ पर अपना मैंशन भी कर सकते हैं। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप उसके ऊपर टिक कर देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर अपना बिजनेस करता हूँ तो मैंने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड लिख दिया है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर दिया है, जाहिर सी बात है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मंथली इनकम, आप मंथली कितना कमा लेते हो, 35,000 रुपीज़ आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है, आप जितना भी मंथली इनकम कर लेते हो आपको यहाँ पर वो मेंशन कर देना है। नेटवर्थ, आपकी अप्रोक्स वैल्यू पूछी जा रही है, नेटवर्थ आपकी टोटल एसेट्स वगैरह कितनी है, लाइबिलिटीज वगैरह को माइनस करने के बाद, मतलब आपके पास कुल संपत्ति कितनी है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो उसकी वैल्यू लिख देंगे आप यहाँ पर, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिखना है।
उसके बाद रिलीजन पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका रिलीजन है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख्स अदर तो वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी पूछ रहा है आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, जनरल ओबीसी एससी एसटी, तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है मैंने जनरल लिख दिया है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, किसी प्रकार की आपको डिसेबिलिटी है तो आप नो पे, अगर है तो आप यस पे टिक क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है आप नो पे टिक करेंगे, और अगर यस पे टिक करते हैं तो आपको बताना होगा कि किस प्रकार की आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, आपको डिफरेंटली एबल्ड हैं, मतलब जो भी आपको दिक्कत है आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है आपसे कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, बिलो एसएससी यानी कि आपने टेंथ से कम पढ़े हैं, टेंथ पास नहीं करी है, टेंथ से कम पढ़े हैं, नाइन्थ तक पढ़े हैं, तो आप बिलो एसएससी के ऊपर क्लिक कर देंगे सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एसएससी तो अगर आप टेंथ तक पढ़े हैं तो आपको एसएससी के ऊपर टिक कर देना है, अगर आप ट्वेल्थ तक पढ़े हैं तो आपको एचएससी पे टिक कर देना है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ट्वेल्थ पास करने के बाद आपने किसी प्रकार का ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा तो ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक कर देंगे, और अगर ग्रेजुएशन से भी आगे आपने पढ़ाई कर रखी है पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन पे कर देंगे, अगर आपने किसी प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है तो प्रोफेशनल के ऊपर, अगर आपने और कुछ कर रखा है तो अदर्स के ऊपर। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा गया ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो यहाँ पर हमसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा गया है तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देंगे, जो भी आपकी कंपनी का या जो भी आपकी शॉप का नाम है आप वो लिख देंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया था ये फॉर्म हम इंडिविजुअल के लिए फिल कर रहे हैं तो ये इंडिविजुअल के बिजनेस का नाम आ जाएगा। यहाँ पर डेजिग्नेशन क्या है, वहाँ पर आप क्या हो, प्रोप्राइटर हो, सिंगल अपना बिजनेस चला रहे हो तो प्रोप्राइटर हो, नेम ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर बिजनेस का क्या है, आप ट्रेडिंग परचेज, मैं क्या करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, सामान खरीदा और बेच दिया तो ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, तो ट्रेडिंग के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद प्लीज़ टिक द एप्लीकेबल बॉक्स, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन हो तो आप इसके ऊपर टिक कर दोगे, अगर किसी पॉलिटिकल या एक्सपोज पर्सन से रिलेटेड हो तो इस पर टिक कर दोगे, अगर कुछ नहीं है तो नन पे टिक कर दिया हमने। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद पूछा हुआ है कंट्री कोड ऑफ ज्यूरिडिक्शन रेजिडेंस, तो इंडिया के लिए आईएन लिख देंगे हम, यहाँ पर लिखा हुआ है कोड फॉर इंडिया इज आईएन। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस और सिटी ऑफ बर्थ, आपका बर्थ किस सिटी में हुआ था, किस प्लेस में हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था तो दिल्ली में लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कोड ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ कोड ऑफ बर्थ, किस कंट्री में हुआ था उसका कोड लिखना है तो हमने आईएन लिखा हुआ है। सिटीजनशिप कहाँ की है, इंडिया की है तो हमने इंडियन लिख दिया है। कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस, आपको टैक्स कहाँ पे करना है, कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस क्या है आपका, जनरली हम सब अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आप इंडिया में ही रहते हो तो आपका इंडिया टैक्स रेजिडेंस हो जाता है, अगर आप बाहर भी जाते हो तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, तो मैंने यस कर दिया है, जनरली अधिकतर लोगों का इंडिया ही होता है तो हमने इंडिया पे टिक कर दिया है। और अगर नो है, इफ़ नो प्लीज़ फिल द एफ ए टी सी ए डिटेल्स फॉर्म, तो एनेक्जे टू आपको फिल करना है अगर आप बाहर भी जाते हो या आपका टैक्स रेजिडेंस कंट्री अदर देन इंडिया है तो। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है पैन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना पैन नंबर लिख देना है, उसके नीचे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, टेलीफोन है ऑफिस का या रेजिडेंस का तो आप वो भी दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस, अब मैं आइडेंटिटी एड्रेस के लिए क्या प्रूफ दे रहा हूँ, तो आइडेंटिटी एड्रेस के लिए मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ तो आधार कार्ड के ऊपर टिक कर दिया, आप पासपोर्ट, वोटर आइडेंटिटी, ड्राइविंग लाइसेंस या और कुछ भी दे सकते हैं। सिंप्लीफाइड मेजर अकाउंट डॉक्यूमेंट, तो हमने यहाँ पर ये देखिए आइडेंटिटी कार्ड एप्लीकेबल, यहाँ से कोड उठाना है आपको, वो मैंने कोड लिख दिया है, O1 लिखा हुआ है यहाँ पर, आइडेंटिटी यहाँ पर दोनों की डिस्क्रिप्शन दे रखी है, आइडेंटिटी कार्ड विद एप्लीकेंट्स फोटोग्राफ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है आधार कार्ड तो फिर मैंने वही लिख दिया है। डॉक्यूमेंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर लिख देना है, आपके आधार कार्ड का जो भी नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे, इशू डेट अगर आपको मालूम है तो आप इशू डेट लिख देंगे, एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट आधार कार्ड की नहीं होती है तो यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ देना है। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या बोला हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डिटेल मांगी हुई है, हम यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपके आधार कार्ड में जो लिखा हुआ है आपको वही लिखना है, रेजिडेंशियल एड्रेस है तो आपने आधार कार्ड में जो लिखा हुआ है वो लिख दिया यहाँ पर,
यहाँ पर एड्रेस लिख दिया है, सिटी विलेज लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, पिन कोड लिख दिया, स्टेट लिख दिया। उसके बाद नीचे चलते हैं। अब आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ से बैंक आपसे बात करेगा, बैंक आपको लेटर्स वगैरह भेजेगा, बैंक अगर कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं सेम एज करंट और परमानेंट एड्रेस। अगर आपके दोनों एड्रेस अलग अलग हैं, जैसे कि मेरा बिजनेस का एड्रेस अलग है और मेरा घर का एड्रेस अलग है, तो मैंने यहाँ पर अलग एड्रेस लिख दिया है, बिजनेस को यहाँ पर टिक कर दिया है, और ऊपर आप देखेंगे तो मैंने ऊपर रेजिडेंस टिक किया था, ये देखिए। तो रेजिडेंस मेरा रहने का एड्रेस अलग है और बिजनेस का एड्रेस अलग है, तो मैंने बिजनेस के एड्रेस के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद एड्रेस लिख दिया है, सिटी लिख दिया, स्टेट लिख दिया है, डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, पिन कोड लिख दिया। उसके बाद आप चलते हैं, इफ़ द प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रोवाइड डज नॉट कंटेन करंट एड्रेस, अगर आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपका करंट एड्रेस डिफाइन नहीं है तो उस केस में आपको फिल करना है। अगर आपका एड्रेस मैच कर रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग कम सेल्फ सर्टिफिकेशन, तो सिंपल सी डिक्लेरेशन है, आई हैव कंसेंटेड बैंक में वेरीफाई द सेम विद, तो यहाँ पर आपको टिक करना है कि बैंक आपके ऑथेंटिकेशन कर सके UIDAI से। यहाँ पर आपको अपनी एक रिसेंट फ़ोटो लगा देनी है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद प्लेस लिख देना है, जिस भी प्लेस में आप फिल कर रहे हो, डेट लिख कर आपको ये डेट लिखना है यहाँ पर, जिस भी दिन आप इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हो। इसके बाद ये देख सकते हैं फॉर ऑफिस यूज और रजिस्ट्रेशन, तो ये फिल हमें नहीं करना है, ये वाला पोर्शन ये ऑफिस वाले करेंगे, यानी कि बैंक करेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये हिंदी में दे रखा है, हिंदी वाला हम नहीं फिल कर रहे हैं अभी। उसके बाद लिखा है बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर फॉर इंडिविजुअल पार्ट टू, हमने अभी पार्ट वन फिल किया, अब ये पार्ट टू है। यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑफिस यूज है, तो यहाँ पर हमें ये सब कुछ फिल नहीं करना है। यहाँ पर आप डेट लिख सकते हैं, जिस भी करंट डेट में जिस भी दिन आप ये फॉर्म सबमिट करने वाले हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस टाइप का अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, तो जैसे कि हमने बताया कि हम ये करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के लिए, हम करंट अकाउंट के लिए हम फिल कर रहे हैं, तो आप करंट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस प्रकार इसे ऑपरेट करना चाहते हैं, तो मैं खुद करना चाहता हूँ तो सेल्फ पे कर दिया, आइदर सर्वाइवर, अलग अलग मोड हैं कैसे आप अपना बैंक ऑपरेट करना चाहते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो, इसका एक वीडियो बना रखा हमने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आइदर सर्वाइवर, फॉर्मर सर्वाइवर, एनी ऑफ द सर्वाइवर, जॉइंटली ऑपरेटेड का मतलब क्या होता है, तो आइए चलते हैं। अभी मैं सेल्फ लगा दिया है, सेल्फ ही मैं ऑपरेट करने वाला हूँ इस बैंक को, तो मैंने सेल्फ कर दिया है। उसके बाद पूछा जा रहा है सर्विसेज रिक्वायर्ड, आपको किस प्रकार की सर्विसेज चाहिए। हम फर्स्ट एप्लीकेंट हैं, फर्स्ट एप्लीकेंट को क्या ATM कार्ड चाहिए, तो यस चाहिए। याद रखिए करंट अकाउंट में जनरली ATM कार्ड नहीं मिलता है, ATM कार्ड सिर्फ इंडिविजुअल वाले अकाउंट में मिलता है, जो प्रोप्राइटर के केस में होता है सिर्फ उसी को ATM कार्ड दिया जाता है, जनरली ATM कार्ड नहीं दिया जाता बिजनेस को। आप ले सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपको नेम क्या अपेयर होगा कार्ड के ऊपर, तो वो नाम लिख दिया है राजेश ट्रेडर करके। उसके बाद मोड ऑफ मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी फॉर सर्विस, अब नीचे जितने भी आप सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं उसके लिए आपको मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, ये आपको बताया गया है। तो आपको क्या चेकबुक चाहिए, यस चाहिए, तो टिक कर दिया हमने। SMS अलर्ट चाहिए, यस चाहिए, तो हमने यस के ऊपर टिक कर दिया है। फ़ोन बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, यस। मोबाइल बैंकिंग चाहिए, यस। पासबुक चाहिए, तो आप पासबुक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है फॉर सेविंग बैंक अकाउंट ओनली, तो पासबुक आपको तभी मिलेगी अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो पासबुक हम करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हमें पासबुक नहीं दी जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, तो पासबुक हमें नहीं मिलेगी, पासबुक सिर्फ सेविंग बैंक के लिए है, हम करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। क्या ई स्टेटमेंट मंथली बेसिस पे चाहिए आपको, यस चाहिए, तो हमने रिक्वायर्ड के ऊपर टिक कर दिया है। अब कहता है इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, तो यस ट्रांजैक्शन राइट चाहिए हमें, फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए यस कर दिया हमने। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, उसके बाद ये जो पोर्शन है फिक्स डिपॉजिट के लिए है, तो आपको फिल नहीं करना है, हम करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, हमने ऊपर सारी चीज़ें फिल कर चुके हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट के लिए है, तो ये भी हमें फिल नहीं करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, फ्लैक्सी डिपॉजिट, तो ये भी हम फिल नहीं कर रहे हैं, तो हमें नहीं चाहिए, तो हमने ये भी फिल नहीं किया है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन आप करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहें तो।
यहाँ पर आए राजेश राज सिंह राजपूत, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको ब्रांच का नाम लिख, ब्रांच का एड्रेस लिख देना है, जिस भी ब्रांच, ब्रांच का नाम लिखना है जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। उसके बाद आई वी वांट नेम ऑफ द नॉमिनी प्रिंटेड, हमें पासबुक तो मिल ही नहीं रही है तो फिर पासबुक में हम नेम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, नहीं होगा हमारा करंट अकाउंट के केस में। टाइप ऑफ डिपॉजिट करंट अकाउंट, अकाउंट नंबर ये बैंक वाले लिख देंगे आपको क्योंकि हमें अकाउंट नंबर अभी नहीं मिला है। तो यहाँ पर आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, फादर को बनाना चाहते हैं, मदर को बनाना चाहते हैं, सिस्टर, जो भी जिसको भी आप बनाना चाहते हैं उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑफ द नॉमिनी, नॉमिनी का मोबाइल नंबर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद रिलेशनशिप विद, उसके बाद रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, डिपॉजिटर के साथ रिलेशनशिप क्या है, डिपॉजिटर की एज, मतलब जिनके साथ, जिनका अभी डिपॉजिटर की एज क्या है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ द नॉमिनी, नॉमिनी के डेट ऑफ बर्थ लिख देने हैं। अगर नॉमिनी माइनर है तो यहाँ पर उसका नाम, एज आ जाएगा, और ये डेट ऑफ बर्थ भी आपको तब डालनी है जब नॉमिनी आपका माइनर होगा, अदरवाइज आपको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पर एड्रेस आएगा जब नॉमिनी आपका माइनर रहेगा तब आपको एड्रेस लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देंगे अपने, यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करना है, सॉरी यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर कर ही देना है, यहाँ पर भी सिग्नेचर कर देना है, और यहाँ पर डेट लिख देनी है, प्लेस लिख देना है। ये आपको फिल करना है जब आप माइनर के लिए, माइनर को नॉमिनी बना रहे हैं, अदरवाइज आपको फिल नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है, प्लेस लिख देना है, डेट लिख देना है जिस भी दिन आप सबमिट कर रहे हो। फॉर ऑफिस यूज है तो ये आपको फिल नहीं करना है, आप इसे छोड़ देंगे। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप चाहें तो ये आप इसे फिल पढ़ सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए, अदरवाइज आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको सिंपली नीचे जाकर यहाँ पर आपको नेम ऑफ द नॉमिनी, एज लिख देनी है, डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। ये बैंक एक्नॉलेजमेंट देगा कि आपको नॉमिनेशन हो चुका है, तो आपको यहाँ पर नाम, ईयर्स, डेट ऑफ बर्थ लिख के बैंक को दे देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका बैंक फिल करेगा। विद रिस्पेक्ट टू योर अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर हमें नहीं मिला हमें तो ये अकाउंट नंबर भी बैंक फिल करेगा, यहाँ पर बैंक अपना सिग्नेचर करके हमें ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे देगा। गाइस तो इतना ही था, ये था हमारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इंडिविजुअल के लिए, कि इंडिविजुअल अपना करंट अकाउंट कैसे ओपन कर सकता है और उसको फिल करने का क्या तरीका था, हमने पूरा फॉर्म फिल करके देख लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियो की जानकारी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।